हेलो एवरीवन। तो आज हम बनाएंगे साबूदाने के बड़े। तो यहाँ मैंने ये 150 ग्राम साबूदाना लिया है लगभग। इसको मैंने 2 घंटे पानी में भिगो के रखा है। मैंने पहले भी आपको खिचड़ी बना के दिखाई है, तो मैंने सेम प्रोसेस की है। इसको 2 घंटे हम भिगो के रखेंगे पहले साबूदाने को, उसके बाद हम इसको छन्नी में डाल देंगे 6 से 7 घंटे के लिए। एकदम सूख जाना चाहिए इस तरीके से, देखिए इसका पानी पूरा निकल जाना चाहिए, तभी ये अच्छा बनता है। और यहाँ मैंने आलू लिए हैं, ये बॉयल आलू हैं, तो ये मैंने लिए हैं 1 पाव आलू है लगभग, छोटे आलू लिए हैं। तो हम साबूदाने में 150 ग्राम साबूदाने में लगभग 1 पाव आलू डाल देंगे बड़ा बनाने के लिए। और धनिया पत्ती हम डालेंगे थोड़ी सी काट के, तो धनिया पत्ती भी हम एकदम सुखा लेंगे काट के, इसको भी हम गीला नहीं डालेंगे। और ये हमने लिया है मूंगफली, रोस्टेड मूंगफली का चूरा है ये। और ये 2 हरी मिर्च हम डालेंगे इसमें, मिर्च आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं कम या ज्यादा। थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे काली मिर्च पाउडर और थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे जीरा पाउडर। तो चलिए हम शुरू करते हैं बनाना। तो सबसे पहले हम आलू को कद्दूकस कर लेंगे। तो ये बड़े वाले किसनी से हम इसको किस लेंगे अच्छे से। ये देखिए आलू को इस तरीके से कद्दूकस कर लेंगे। और अब हम इसमें सारी चीजें मिलाएंगे साबूदाने में। तो हम इसमें आलू भी डाल देंगे, और हम इसमें डालेंगे हरी मिर्च, धनिया पत्ती डाल देंगे हम इसी में, आधा चम्मच हम इसमें भुना हुआ जीरा पाउडर डालेंगे। और ये हम व्रत के लिए बना रहे हैं, तो व्रत में हम जीरा तो खाते हैं जब हम खिचड़ी बनाते हैं तो। और ये हम आधा चम्मच ही काली मिर्च पाउडर डालेंगे। लास्ट में हम डालेंगे इसमें मूंगफली का चूरा, ये रोस्टेड मूंगफली है। पहले मूंगफली को मैंने रोस्ट कर लिया था, उसके बाद इसका पाउडर बना लिया है। अब हम इसमें नमक डालेंगे, तो यहाँ मैं सेंधा नमक डाल रही हूँ क्योंकि हम ये व्रत में खाने के लिए बना रहे हैं। तो नमक आप अपने हैं टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। अब हम इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए इसको हम इस तरीके से मिक्स कर लेंगे। और अब हम थोड़ा सा पानी लगाएंगे हाथ में, पानी लगाने से बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा। और इसके छोटे छोटे हम बड़े जैसे सेब के बना लेंगे इस तरीके से। साइज आप अपने हिसाब से रख सकते हैं छोटी या बड़ी। तो पहले हम इसको बना के रख लेंगे 4 से 5। उसके बाद कढ़ाई मैंने चढ़ा दी है पहले ही तेल रख के, तो कढ़ाई हमारी गर्म हो रही है। तब तक हम अपने बड़े को बना लेते हैं 5 से 6, जिसमें हम कढ़ाई में डाल सकें। तेल हमारा गर्म हो चुका है, बड़े भी मैंने बना लिए हैं, तो हम डालना शुरू करते हैं। अभी मैंने फ्लेम को मीडियम कर दिया है, इसको हम मीडियम फ्लेम पे ही डालेंगे। सेकते टाइम हम इसको थोड़ा सा हाई भी कर सकते हैं, लो भी कर सकते हैं, अच्छा ब्राउन होने तक हम इसको सेक लेंगे। अगर आपसे डालते नहीं बन रहे हैं तो आप इसको चम्मच से भी इस तरीके से डाल सकते हैं। ये देखिए इसमें रख के, तो बहुत सावधानी से डाल लेंगे आप अगर चम्मच से डालेंगे तो। और अब हम इसको थोड़ा देर सिकने देंगे इसी में। अब हम फ्लेम को हाई कर देंगे। अब हम इसको थोड़ा सा पलट देंगे, दूसरी साइड भी सेक लेंगे। और दोनों साइड हम इसको अच्छा ब्राउन होने तक सेकेंगे। आप देख रहे होंगे बड़े कितने फूल गए हैं अच्छे से, बहुत ही फूले हुए बने हैं। तो हम इसको पहले ही तोड़ देंगे, इसको अलग अलग कर देंगे अगर चिपक गए हैं तो। पहली बार जब हम डालते हैं तो थोड़ा सा चिपकते हैं, उसके बाद नहीं चिपकते हैं, तो हम इनको पहले ही अलग अलग कर देंगे। और हम इनको दूसरी साइड भी अच्छे से सेक लेंगे। ये देखिए बड़े हमारे सिक चुके हैं अच्छे से। तो हम इसको प्लेट में निकाल लेंगे, थोड़ा देर हम साइड में रखेंगे ताकि इनका तेल निकल जाए। बहुत ही क्रिस्पी बने हैं, अभी मैं इनकी आपको आवाज सुनाती हूँ। ये देखिए गाइस बड़े हमारे कितने क्रिस्पी बने हैं, आपको मैं आवाज भी सुनाती हूँ, देख सकते हैं आप, बहुत ही क्रिस्पी और अंदर से थोड़ा सा सॉफ्ट भी हैं, तो आप देख सकते हैं।
बहुत ही टेस्टी बने हैं ये। और इसका कारण यही है कि हम जो आलू बॉईल करते हैं उसको भी हम थोड़ा देर पहले ही बॉईल कर लेंगे ताकि उनका पानी सूख जाए, उसमें पानी बिल्कुल भी ना रहे। और साबूदाना भी हम ऐसे ही करेंगे कि 2 घंटे भिगो के हम उसको छन्नी में निकाल देंगे 6-7 घंटे के लिए, ताकि उनका पूरा पानी सूख जाए, तभी ये इतने क्रिस्पी बनते हैं और बहुत टेस्टी लगते हैं। तो ये हमारे टेस्टी टेस्टी बड़े बनकर तैयार हो गए हैं। व्रत में भी खा सकते हैं आप, ऐसे भी इसको बना के खा सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।